नेक्स्ट दोस्तों, पोस्ट कॉलोनियल मॉडल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी विकास का उत्तर औपनिवेशिक मॉडल। विकास का संबंध, बेसिकली विकास के संबंध में हम लोग तीन मॉडल देख सकते हैं। एक तो वेस्टर्न मॉडल है, केवल आंतरिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं इसके लिए, और इसमें राष्ट्र राज के निर्माण की बात करता है। तो राष्ट्र निर्माण की समस्या जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो निर्भरता मॉडल है, डिपेंडेंसी थ्योरी है, केवल बाहरी परिस्थितियां हैं तो विकसित देशों द्वारा शोषण हो रहा है। और जो उत्तर औपनिवेशिक मॉडल है, ये आंतरिक प्लस बाह्य दोनों परिस्थितियों को जिम्मेदार मानता है, किसी भी देश का अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उसके लिए। तो इसके विचारक हैं, ये उत्तर औपनिवेशिक मॉडल के विचारक हैं, पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स इन्हें कहा जाता है। इसके विचारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं वाना एनाक्रुमा, ये घाना के हैं। वाना एनाक्रुमा अफ्रीकन नेता रहे हैं और नैम के संस्थापक सदस्य रहे हैं नेहरू जी के साथ। उन्होंने नव उपनिवेशवाद यानी न्यू कॉलोनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। वही एमएनसीज वगैरह ये क्या कर रही हैं, ये नव उपनिवेशवाद को फैलाने का काम कर रही हैं। एनाक्रुमा ने सर्वप्रथम नव उपनिवेशवाद न्यू कॉलोनिज्म शब्द का प्रयोग किया था, ये भी याद रखिएगा। फिर उपनिवेशवाद के उपक्रम कौन कौन से हैं, साधन कौन कौन के हैं, टूल्स कौन कौन से हैं जिसके माध्यम से न्यू कॉलोनिज्म यानी नव उपनिवेशवाद को फैलाया जा रहा है। तो एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, एप्पल, वॉलमार्ट, ये सब कंपनियां क्या कर रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये, इनकी जो इनका जो एनुअल टर्नओवर है, ये जो अफ्रीकन जैसे देश हैं उनकी जो पूरी जीडीपी है उससे बड़ी बड़ी उनकी पूरा टर्नओवर है, तो सोच लो आप। फिर सैनिक सहायता है, सैनिक सहायता भी दी जाती है या ली जाती है। तो अमेरिका बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि जो अफ्रीका है या लैटिन अमेरिका कंट्रीज है वहाँ पर तानाशाही रह जाए। अरब देशों में तानाशाही को बहुत अच्छा मानते हैं और कहते हैं कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है या अरब वर्ल्ड है, इट इज़ इम्यून टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से इम्यून है, और अरब वर्ल्ड के लिए डेमोक्रेसी बनी ही नहीं। वैसे कि जो मुस्लिम जो सिविलाइजेशन है, ये कहते हैं अमेरिका जैसे देश की जो मुस्लिम सिविलाइजेशन है या जो अरब कंट्रीज हैं, ये डेमोक्रेसी के लिए बने ही नहीं, ये इनके लिए डेमोक्रेसी महत्वपूर्ण ही नहीं है या ये डेमोक्रेसी के लिए बने ही नहीं। फिर आर्थिक सहायता, तो आर्थिक सहायता भी देते हैं ना, निवेश देते हैं। उपचार क्या है, हमें साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करनी होगी, हमें नैम और नियो जैसे संस्थानों की बात करनी होगी। वनाक्रुमा की जो प्रसिद्ध पुस्तक है नियो कॉलोनियलिज्म : द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म 1965 में आती है। नियो कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म 1965 में बुक आती है। लेनिन की पुस्तक है इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, तो याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। जूलियस न्यूरेरे ये तंजानिया के हैं, इनकी बुक का क्या नाम है, उजामा ऐसे ऑन सोशलिज्म, उजामा बंधुत्व ऐसे ऑन सोशलिज्म। थर्ड वर्ल्ड के देशों के पिछड़ेपन का कारण क्या है, मल्टी एथनिसिटी। तो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं वहाँ पर बहुत सारी एथनिसिटी, बहुत सारे रेस के लोग रहते हैं, तो आपस में ही संघर्ष करते रह जाते हैं ना। आप देखे होंगे कि इवन जो अरब जैसे जैसे देश हैं तो वहाँ पर तो इवन जो मुस्लिम वर्ल्ड कोई इंटीग्रेटेड वर्ल्ड नहीं है, वहाँ भी झगड़ा है, वहाँ भी शिया सुन्नी का झगड़ा है। तो मल्टी रेस के लोग हैं और आपस में झगड़ा करते रहते हैं जिससे कि उनका विकास तो हो नहीं पाता। तो अब जैसे मल्टी एथनिसिटी है तो उससे समस्या क्या होती है, राष्ट्र निर्माण का संकट आता है भाई। आप अगर एकजुट ही नहीं होंगे, अब जैसे भारत में 543 रियासतें थी, अगर वो कहीं ना कहीं विद्रोह कर देती, कहीं ना कहीं नहीं मानती अगर किसी भी कारण से कि नहीं मानना है, तो क्या ही कर लेते आप, तो भारत के टुकड़े इतने हो जाते। तो अंग्रेज थोड़ा सा और चलाकी कर दिखा देते और बहुत ही लोग फेडरेशन बना देते, तो क्या ही कर लेते आप। तो राष्ट्र निर्माण का संकट हमेशा बना रहेगा। फिर राष्ट्र निर्माण का संकट और मतलब यही है कि जो नेशन डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा, भारत को भी अभी नेशन मेकिंग ही कहा जाता है, तो विकसित देश इन्हें और बढ़ा देते हैं। तो बेसिकली जो भारत है, तो अंग्रेजों ने जानबूझकर भारत का ऐसा विभाजन किया, ऐसी लाइन खींची कि भारत हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसी कंट्री बना रहे जो कभी इतना ज़्यादा ग्रो ना कर पाए कि हमें ही ये सुपर ओवर पावर कर दे, क्योंकि भारत का जो पोटेंशियल था। सोच लो साउथ एशिया अगर आज इंटीग्रेट हो जाता, पूरा भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये पूरा और अपना भारत तो है ये पूरा, अगर कभी अगर एक होता तो सोचो हम सीधे कहाँ तक पहुँच जाते, ब्रिटेन तक पहुँच जाते हैं हम, पूरा यूरोप छान मारते, हम पूरा रशिया तक पहुँच जाते, हमें किसी की ज़रूरत ही ना पड़ती, पूरा अरब वर्ल्ड में हम पहुँच जाते। तो इंटेंशनली कट ऑफ किया गया हमें पाकिस्तान बना के, पाकिस्तान का बनाना एक इंटेंशन था अंग्रेजों का कि भारत को कभी, भारत की जो ग्रोथ है उसको लिमिट करने का हमेशा एक कारण है पाकिस्तान। तो अमेरिका भी अगर भारत की ग्रोथ रोकना चाहेगा तो क्या करेगा, पाकिस्तान को सहायता दे देना स्टार्ट कर देगा।
तो भारत को चुप कराने का एक हमेशा एक जरिया बनाया गया ब्रिटिश मिशन पावर द्वारा कि पाकिस्तान को क्रिएट करो, ये पूरे साउथ एशिया में कंट्रोल रखेगा। तो महाथिर मोहम्मद ये मलेशिया के हैं। थर्ड वर्ल्ड के पिछड़ेपन का कारण क्या बताते हैं? सांस्कृतिक उपनिवेशवाद यानी कल्चरल कॉलोनियलिज्म, जाति शिष्टता का संघर्ष, तो अरब इजराइल का जो संकट है, ये हम कौन सी रेस बड़ी, बेसिकली तीनों धर्म हैं एक ही काइंड ऑफ ओरिजिन से उभर कर सामने आए हैं ना। जेरूसलम आपने देखा होगा कि वहाँ पर तीनों जो क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम्स हैं और जो यहूदी हैं, तीनों अपना पवित्र धर्म या पवित्र स्थल मानते हैं उसको। तो लेकिन फिर भी संकट है, किसका? अस्तित्व का संकट, कौन बड़ा। फ्रेंच फेनन ने क्रांतिकारी व मनोवैज्ञानिक इसमें एक प्रकार से विश्लेषण दिया है। ये अल्जीरिया के थे, अफ्रीकन थे, अजय थिंकर भी इनको पढ़ चुका है, तो इनके बारे में बहुत पढ़ने के लिए अरे नहीं। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क 1952 में आती है, और द रिचर्ड ऑफ द अर्थ 1962 में आती है, पृथ्वी के भाग्य। पिछड़ेपन का कारण क्या है? सांस्कृतिक उपनिवेशवाद, वही ये साइकोलॉजी को बेसिकली महत्वपूर्ण मानते हैं। व्हाइट मैन बंडन थ्योरी है, जो पियार्ड किपलिंग द्वारा वर्णित है, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। फिर अश्वेत लोग व्हाइट मैन बर्डन के भार के नीचे दब चुके हैं। उपनिवेशवाद से मुक्ति के बाद हमें जो उपनिवेशवाद है उसकी मुक्ति के बाद जो उभरे एलिट वर्ग हैं कि चमड़ी काली है पर मस्तिष्क उनका अभी भी व्हाइट मैन कल्चर का ही शिकार है। तो हम देखते हैं कि भारत में अभी भी जो मानसिकता है, हम गुलामी मानसिकता के लोग हैं, हमें अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब अंग्रेजी ये है कि अगर है ना अंग्रेजी झड़ रहा है तो लोगों को लगता है अरे चाहे कुछ नहीं जानता हो लेकिन हमें लगता है अरे ये बहुत होशियार लड़का है। तो यही बात है कि अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, गोरी चमड़ी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है आज भी भारत में। तो यही बात है, तो अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए अपने। उपचार क्या है? न्यू मैन थ्योरी। यह थ्योरी नौ मार्क्सवाद पर आधारित है, यह नौ मार्क्सवाद से प्रभावित है। न्यू मैन सृजनात्मक संता से लेस होगा, तो ये जो न्यू मैन होगा इसके पास क्रिएटिव पावर ज़्यादा होगी, ये खुद के विचार रख लेगा। इसके पास जो मौलिक विचार होंगे, ऐसा नहीं कि किसी से बारोड विचार ये लेगा, इसके पास मौलिक विचार होंगे। चे ग्वारा भी एक थिंकर हैं, ये बाई बर्थ अर्जेंटीना से थे लेकिन फिर ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में चले गए। बोलीविया की साम्यवादी क्रांति में इनकी मौत हो गई बेचारों की। फिदेल कास्त्रो के साथ ही रहे बेसिकली, नव मार्क्सवादी थे और क्रांति प्लस नैतिकता दोनों जरूरी है मानते थे। फिर ये सबाल्टर्न थ्योरी है, उपास्य सिद्धांत, 1980 दशक में आता है, 1990 से 1980 से 1990 दशक में चलता है। सवर्ण शब्द का प्रयोग किसने किया है? मिलिट्री के रूप में ओहदे के कर्मचारी वर्ग के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। यह थ्योरी दक्षिण एशिया के उन सिद्धांत उन इतिहासकारों ने दी है जो इस समाज का पूंजीवाद एवं मार्क्सवाद से इतर अध्ययन करना चाहते हैं। ये उत्तर औपनिवेशिक समाज यानी पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी पर आम जनता से संबंधित इतिहास लिखना चाहते हैं। ये दलित, शोषित, किसान, मजदूर आदि हास्यकृत वर्गों का इतिहास लिखना चाहते हैं। तो वही है कि जो बेस पर्सपेक्टिव है नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट के, कि एक दलित पर्सपेक्टिव है, एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है, तो ये पर्सपेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस कर रही थी सब साइन कर रही थी। जो एमन रॉय है कितना विरोध करते हैं, कितना क्रिटिसाइज करते हैं, दलित नेता अम्बेडकर कितना क्रिटिसाइज करते हैं, तो उनका अलग पर्सपेक्टिव था। इंडियन नेशनल जो मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अलग पर्सपेक्टिव था, फिर एमन रॉय उनका अलग पर्सपेक्टिव था। तो इनके जो दलित हैं, शोषित हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने की बात की जाती है, डिकंस्ट्रक्ट करने की बात की जाती है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों को एलिट्स के इतिहासकार कहते हैं, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं इन्हें एलिट्स के इतिहास कहते हैं, यानी पूंजीवादियों के इतिहासकार कहते हैं। मुख्य सिद्धांत क्या है? रंजित गुहा है, इनकी पुस्तक है डोमिनेंस विदाउट हेजीमनी, डोमिनेंस विदाउट हेजीमनी 1998 में आती है। स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री 2009 पुस्तक आती है। पाथा चटर्जी, इनकी पुस्तक स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया 1999 में आती है, स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। पाथा चटर्जी ये बेनेडिक्ट एंडरसन के विचारों के विरोधी थे बेसिकली। एंडरसन की बुक का क्या नाम है? इमेजिन कम्युनिटी, कल्पित समुदाय 1983 में आती है। पाथा चटर्जी ने द नेशन एंड इट्स सेगमेंट जो कि 1993 में आती है, में लिखते हैं कि राजनीतिक समुदाय की कल्पना को यूरोपियन उपनिवेशवाद ने सीमित कर दिया, कि जो राजनीतिक समुदाय होगा वहाँ पर केवल एक ही रेस के लोग रहेंगे, एक ही एथनिसिटी के लोग रहेंगे या एक ही भाषा भाषी के लोग रहेंगे। जबकि जो राजनीतिक समुदाय है, भारत क्या एक राजनीतिक समुदाय नहीं है, लेकिन वहाँ पर मल्टीकल्चरल लोग रह रहे हैं, बहुत सारे धर्म, जाति और एथनिसिटी को मानने वाले लोग रहे हैं। तो क्या भारत ये नहीं कर रहा? कर रहा है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उपनिवेश है ना, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने राजनीतिक समुदाय को केवल और केवल एक विशेष दायरे में सीमित करने का प्रयास किया है। हमारी कल्पना सदैव
अपने वैश्विक प्रभाव से ग्रसित रही, या अपने वैश्विक प्रभाव से ग्रस्त रही है, यही बात है। अन्य विचारक हैं गायत्री श्रीवाग, उनकी पुस्तक है कैन सबाल्टन स्पीक, फिर शशि थरूर है, उदितो कविराज है, ज्ञानेंद्र पांडे हैं और सही समीर अमीन है। फिर रिक्स की जो रिजमेटिक सोसाइटी कॉन्सेप्ट है, पर इसकी उपागम इकोलॉजिकल अप्रोच, इसको भी आगे चलकर अच्छे से इसको पढ़ेंगे। रिक्स का बेसिकली ये जो हमारे काइंड ऑफ जो नौवीं यूनिट है उसमें भी रिक्स का एक बड़ा चैप्टर है, तो उसमें भी इसको पढ़ते हैं, हालांकि इसमें थोड़ा सा अच्छे से देख भी सकते हैं। तो बेसिकली तीन प्रकार की सोसाइटीज बताता है, एक तो फ्यूज सोसाइटी, फ्यूज ये अविकसित देश है, थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज है। डिफ्रैक्टर सोसाइटी, ये विकसित देश है, यहाँ पर पूरा पूंजीवादी व्यवस्था है, लोकतंत्र है, खुले संचार है, सब कुछ है, सब कुछ रामराज्य है यहाँ। थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज है, यूरोप और यूएसए की कंट्रीज है ये। प्रिजमेटिक सोसाइटी, तो संक्रमणकालीन समाज है ये भारत जैसे समाज है, जहाँ पर मिक्स अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर जो देश है पूरी तरह से मॉडर्न भी नहीं हुआ है, लेकिन मॉडर्निटी के बहुत सारे तत्व यहाँ पर पाए भी जाते हैं। तो ये भारत और चाइना जैसे देशों की बात है। प्रिजमेटिक सोसाइटी, यहाँ पर ट्रेडिशन यानी जो भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है वो भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हमारे अंदर मॉडर्निटी भी है, तो हम उसको फॉलो भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसको भी, तो हम तिलक भी लगाना चाहते हैं, हम पूजा भी करना चाहते हैं, साथ में हम बर्गर भी खाना चाहते हैं, हम कोको कोला भी पीना चाहते हैं। ये मिक्स संस्कृति की बात करते हैं। तो भारत जैसे जो देश है वहाँ पर संक्रमणकालीन समाज है, अभी भी हम लोग ना तो पूरी तरह से अविकसित हैं, ना तो हम वही जो अजीन समाज में थे 18वीं 19वीं सदी वाले समाज भी नहीं रह गए, ना हम तो पूरी तरह से विकसित हैं, तो हम यूरोप के कंडीशन में भी नहीं पहुँचे, हम कहीं बीच में है, जो दोनों को कहीं ना कहीं अच्छा मानता है, दोनों से चल रहा है। प्रिजमेटिक सोसाइटी की विशेषताएं, तो हमें विजातीयता होती है, नया पुराना, गांव शहर, सामंत पूंजीवाद एक साथ पाए जाते हैं। तो हमने देखा है कि हर व्यक्ति, किससे पूछ लो, अब बहुत ही कोई मॉडर्न हो तो नहीं समझ में आता, लेकिन हर व्यक्ति का कोई ना कोई गांव होगा, और अभी भी आप अपने गांव से जुड़े होंगे, शहर में रहते हैं आप लेकिन गांव से जुड़े होंगे। और सामंतवादी व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था आज भी यहां पर जीवित है, नया है कुछ, नया है कुछ पुराना है, औपचारिकता हो जाती है, फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है। तो भारत में आप बिना ही, मतलब जो सरकारी दफ्तर है वहाँ पर बिना फॉर्मेलिटी का कुछ कर नहीं सकते, फॉर्मेलिटी ज़्यादा रहती है। ओवरलैपिंग है, अति आच्छादन है, ओवरलैपिंग है, तो स्कूल, कॉलेज, उद्योग, संसद आदि आधुनिक संस्थाएं खड़ी की गई हैं, पर इन संस्थाओं पर जाति, धर्म, नस्ल जैसी परंपरागत जो संस्थाएं हैं वो हावी रहती हैं, तो ओवरलैपिंग रहती है। मॉडर्न और ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, दोनों आपस में एक प्रकार से गुथे टाइप के रहते हैं। यहाँ पर हमारे स्कूल है, कॉलेज है, उद्योग है, संसद है, लेकिन कॉलेज में भी अगर बातें होंगी तो जो है ना कॉलेज की जो पॉलिटिक्स है आपने देखा होगा, वो भी जातिगत मुद्दों पर, विचारधारा के जो मुद्दे हैं उस पर लड़ी जाती है। तो यही बात है कि जाति है, धर्म है, नस्ल है, ये हमको प्रभावित कर रहा है हर जगह। भले ही हम मॉडर्न जो संस्थाएं हैं उनको खड़ी कर रहे हैं, लेकिन उन पर जो काम करने वाले लोग हैं, जो विचारधारा है उसके पीछे, वो तो पुरानी ही है ना, तभी हम मॉडर्न हुए नहीं, ये बात। फिर यहाँ का जो सामाजिक तंत्र है ये, इसको बेसिकली एक टर्म है, क्लासिकल टर्म है या टेक्निकल टर्म है, क्लिक्स इसको कहते हैं, ये क्लिक्स इसको टेक्निकल टर्म देता है, डिक्स। फिर जो आर्थिक प्रणाली है, बाजार कैंटीन मॉडल है, प्रशासनिक उपव्यवस्था है, यहाँ पर साला मॉडल चलता है, भाई भतीजावाद चलता है, और आपकी पहचान है तो आपको टोल टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, बगल से निकाल दिए जाओगे, पहले फोर व्हीलर लिए हो लेकिन पहचान नहीं है, और आपका कहीं जो फास्टैग है कम काम करना बंद कर दिया तो आपको डबल पैसे ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर भारत जैसे देशों में, भारत जैसे देशों में, इन द सेंस जो पूरा साउथ एशिया है, पाकिस्तान की भी हालत वही है कमोबेश, जो पूरा साउथ एशिया है, फिर जो ईस्ट एशिया है वहाँ भी, जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों को छोड़ दिया जाए, तो यहाँ के जो देश हैं थाईलैंड वगैरह के, कंबोडिया भी देना, यहाँ यही देश चलती है। विकास संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा है, तो एक है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, इसे हम लोग संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम कहते हैं। तो 1980 से 90 के दशक में थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं के विकासशील देशों में संरचनात्मक कुशलता से संबंधित आर्थिक अस्थिरता एवं आर्थिक कमजोरी से बाहर लाने का यह कार्यक्रम था। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ये आर्थिक जो मुद्रा कोष है IMF और वर्ल्ड बैंक के नेतृत्व में चला। इस कार्यक्रम के तहत विकासशील देशों की संरचनाओं पर निजीकरण, उदारीकरण और मुद्रास्फीति नियंत्रण, मुक्त बाजार, प्रभावी बजट प्रबंधन,
और आयात शुल्कों में कमी जैसे परिवर्तन लाए गए। तो वही बात है, जो भारत में एलपीजी लाया गया तो कहा गया कि आप अपना जो सरकारी खर्चा है उसको कम करिए, है ना, चीज़ों को प्राइवेटाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी लाने का प्रयास करिए। ये सब जो काम कर रहे हैं आप, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। वाशिंगटन कंसेंसस, उसके प्रणेता हैं जॉन विलियमसन, जो इसके अर्थशास्त्री रहे हैं। यह विश्व बैंक आर्थिक जो मुद्रा कोषाई में फॉर अमेरिकन ट्रेजरी विभाग की सरपरस्ती में चलता है। मुख्यतः लैटिन अमेरिकी देशों की कमजोर आर्थिक संरचनाओं के संदर्भ में है ये। इसमें 10 बुनियादी सिद्धांत थे। इसमें मुख्यतः बजट एवं राजकोषीय अनुशासन, सार्वजनिक खर्च का पुनर्वितरण, उदारीकरण, निजीकरण, डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनियमन, संपत्ति का अधिकार आदि प्रमुख हैं। वाशिंगटन मत के आलोचक कौन कौन से हैं? जोसेफ स्टिगलिस एवं जॉर्ज सोरेल, जोसेफ स्टिगलिस एवं जॉर्ज सोरेल हैं। बिड एंड गैड की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ बिड एंड गैड, तो महिला विकास के संदर्भ में यह अवधारणा है। विचारक है वंदना शिवा, बीना अग्रवाल, मारिया मीज। तो वुमेन इन डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट। तो अभी क्या हो रहा है, अभी वुमेन डेवलपमेंट की बात चल रही है, वुमेन इन डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही। वुमेन डेवलपमेंट तो महिलाओं का विकास तो किया जा रहा है, लेकिन वुमेन को डेवलपमेंट के जो परिधि है उसमें लाया नहीं जा रहा है। इन द सेंस कि आप किसी का विकास करोगे सबसे पहले उससे पूछोगे तो उसको तो इंक्लूड करोगे ना। 1928 में जो साइमन कमीशन का विरोध हुआ क्यों हुआ, क्योंकि आप एक ऐसा व्यवस्था बनाने जा रहे हो जहां पर जिसको आप भारतीयों के ऊपर लागू करोगे, लेकिन आपके जो कमीशन है उस पर एक भारतीय ही है। तो आप वुमेन का डेवलपमेंट तो कर रहे हो लेकिन वुमेन है नहीं आपके पैनल में, तो कैसे होगा ये। तो यही बात है, यह राजनीतिक भूमिका, यह अवधारणा, यह राजनीतिक अवधारणा है जो विकास में नारी की भूमिका एवं क्षमता को बढ़ाना चाहती है। महिलाएं अगर विकास में शामिल होंगी तो उत्पादकता एवं विकास ज्यादा होगा, समावेशी होगा और व्यापक होगा। जेंडर एंड डेवलपमेंट, रणनीतिक स्तर पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की निम्न परिस्थिति है, भूमिकाओं पर ध्यान आकर्षित करती है। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, चलते चलते उनको पढ़ लेते हैं। हालांकि इन पुस्तकों को यहाँ तहाँ संदर्भ में पढ़ा गया है चैप्टर में, लेकिन एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में इसको एक बार और अच्छे से देख लो आप। W.W. रोस्टॉक की पुस्तक है द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पांच प्रकार के स्टेजेज बताते हैं। एजी फ्रैंक, तो एजी फ्रैंक की जो पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट ऑफ लैटिन अमेरिका। समीर अमीन की है अनइक्वल एक्सचेंज। मैनुअल बारस्टान की है द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, 1979 में आती है। वाल्टर रोडनी की पुस्तक है हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका, 1970 में आती है। कार्डोसो की है डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट। फिर सेंटोस फुलोडो की पुस्तक है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलप। फिर वाना एनोक्रोमा की पुस्तक है नियो कोलोनियलिज्म कोलन द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म, 1965 में आती है। लेनिन की पुस्तक है इंपीरियलिज्म द हाइजेस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। जूलियस नूरेरे की है उजाया एसे ऑन सोशलिज्म। फ्रांस फिनन की है ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क, 1952 में, और विशेष ऑफ द अर्थ धरती के भाग, 1962 में। मंजित गुहा की है डोमिनेंस विदाउट हेजेमनी, 1998 में। द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री, 2009 में आती है। पार्था चटर्जी की पुस्तक है स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। एक और उनकी पुस्तक है नेशन एंड फ्रेगमेंट्स, याद रखिएगा। जॉन एच काउट्सकी की पुस्तक है पॉलिटिकल चेंज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन सॉरी पॉलिटिकल चेंज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कोलन नेशनलिज्म एंड कम्युनिज्म। फिर सी एच डार्ड हैं, इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। डेविड ई एप्टर हैं पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। फिर एस एन आइजेनस्टाइन हैं, इनकी पुस्तक है ट्रेडिशन चेंज एंड मॉडर्निटी, ट्रेडिशन चेंज एंड मॉडर्निटी। फिर जोफ्रे के इनकी पुस्तक है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट अ मार्क्सिस्ट एनालिसिस। रोनाल्ड एच चिलकोटे, इनकी पुस्तक है थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। जोसेफ सुम्पीटर, इनकी पुस्तक है इंपीरियलिज्म एंड सोशल क्लास। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, जहाँ पर हम लोगों ने अल्प विकास का सिद्धांत पढ़ा, डिपेंडेंसी थ्योरी को देखा। तो आगे चल के हम लोग अब क्रांति एवं प्रतिरोध को पढ़ेंगे। तो होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो होप कि आप लोग ये सब करेंगे, तक के लिए अच्छे से पढ़िए आप इसको। कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपको कैसा लगा वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्क्राइब।